मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का दसवां सूत्र हमने प्रारंभ किया था, संसारिणो मुक्ताश्च। उसमें च लिखने का क्या हेतु है और सांसारिक को पहले क्यों रखा गया है, इसके हमने कितने पॉइंट्स देखे थे? छः बिंदु देखे थे। बहुत अच्छा। अब मैं आज आपको सांसार की थोड़ी सी जानकारी कराऊंगा, जिसमें हम अनादिकाल से रखड़ रहे हैं, उसको थोड़ा हम संक्षेप में देखें। संसार श्री धातु से बना है, स्र सम उपसर्ग पूर्वक स्र धातु। स्र धातु एक खिसकने के अर्थ में किया जाता है, खिसकना घूमना। अर्थ ये बना भली भांति जिसके निमित्त से यह जीव घूमता है, सरकता है, उसे संसार कहते हैं। इसलिए जब भी हम तेजस शरीर दो प्रकार का है ना, निस्सरण और अनिस्सरण, तो निस्सरण में भी शरण मतलब घूमना, शरण मतलब। इसलिए तो तेजस शरीर दो होते, आपको पता है ना, एक तो जो अनादि से अपने पास तेजस शरीर लगाई है, शरीर को कांति देते, वो निस्सरण वाला है, और जो रिद्धि वाला होता है वो निस्सरण वाला होता है। मैंने इतना सारा क्यों बताया भैया? शरण श्री धातु घूमने के, हिलने के रूप में, और शरण भी घूमने के रूप में। तो रत्नकरण शौकाचर में भी एक छंद आता है, शरणम सारणम अपिच। ये पांच प्रकार के अनर्थ दंड लिए हैं, लगभग 70-75 छंद में, वहाँ पर पांच प्रकार के अनर्थ दंड में घूमना बिना मतलब का, उसको भी उजागर किया है। कहना मुझे यही है, शरण मतलब घूमना, श्री धातु मतलब भी घूमने के अर्थ में है। संसार का अर्थ होता है घूमना, परिवर्तन, परावर्तन, ये सब एक अर्थवाची है। परिभ्रमण एक अर्थवाची है। बोलो भाई, कोई प्रश्न हो तो बोलो। हाँ, जो आपने कल केवली में दो ज्ञान बताया, तो शुद्ध केवली में भी वही होंगे दो? क्या दो ज्ञान? श्रुत केवली में दो उपयोग, मति श्रुत तो है ही, और चक्षु चक्षु दर्शन भी है फिर। और श्रुत केवली जरूरी नहीं है वैसे मन पर ज्ञान के हो, यदि मन पर ज्ञान के धारी हो तो मन पर ज्ञान लेना पड़ेगा, अवधि ज्ञान के भी धारी हो सकते, अवधि ज्ञान लेना पड़ेगा। कम से कम चार उपयोग तो है ही श्रुत केवलियों के पास। ठीक है, बैठिए। तो हमको चर्चा किसकी करनी है अभी? परिवर्तन की चर्चा आज करेंगे हम। संसार जो पंच परिवर्तन रूप होता है उसकी चर्चा करते हैं। मैंने इतनी देर किसका अर्थ खोला है भैया? संसार का अर्थ खोला। कौन से धातु से बना? श्री। श्री मतलब स लिखकर उसको नीचे कृपा करते हुए से श्री नीचे कर देना उसको। बैठे तो पंच परावर्तन का अर्थ खोलते है। छह ढाला में दो जगह आया, यो परिवर्तन पूरे करे, और एक जगह आया पंच परावर्तन, क्या है वो? परिवर्तन पंच करे है। हाँ ठीक है, परिवर्तन पंच करे है, राइट। और यो परिवर्तन पूरे करे, ऐसे परिवर्तन परावर्तन घूमना संसार एक अर्थवाची है। वैसे और बात बता दूं मैं, परा चहुओर से, परि का अर्थ भी चहुओर से, आवर्तन मतलब घूमना। पता है आपको आवर्त मतलब घूमना? अपन भगवान को आवर्त लगाते आ वर्त, चहुओर से वर्त मतलब वर्तना, चलना। और परिभ्रमण ये एक अर्थवाची, भ्रम भ्रमण का भी अर्थ घूमना ही होता है। इस पंच परावर्तन की चर्चा प्रारंभ करने के पहले मैं और एक बात बता दूं, ये जो कल छह बिंदु आए थे ना,
उसमें एक सत्व बिंदु लिख लो, बहुत शानदार। ये धवल में अपेक्षा ये है, ये आपको तत्व और सूत्र की टीकाओं में नहीं दिखेगी और मजा आएगा सुनकर। क्या लिया धवल करने अर्थ संसर्ण मुक्ताश्च का च क्यों लिखा? क्योंकि वे ये कहना चाहते हैं उपयोगवान जी संसारी और मुक्त होते हैं, इतना ही नहीं कहना चाहते। च मतलब संसारी भी है, मुक्त भी है और भी जीव है इनके अलावा। हैं संसार और मुक्त के अलावा कौन जीव होते हैं? कह रहे होते हैं ना। तो उन्होंने लिया कि नो संसारी और असंसारी, ऐसे नए जीव दो लिए हैं। कैसे? कह रहे बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव तो संसारी है और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान मुक्त है। अभी तेरहवें चौदह गुणस्थान ना संसारी है ना मुक्त है उसको, और वे भी तो उपयोगवान है। तो तेरहवें गुणस्थानवर्ती को लिया नो संसारी और चौदहवें वालों को लिया असंसारी। समझ में आया? नो संसारी का अर्थ ईषत संसारी। ईषत संसारी क्यों? अभी भी उनका योग चल रहा है, आश्रम चल रहा है उनका, घूमना फिरना भी चल रहा है। लेकिन चौदहवें गुणस्थानवर्तियों का, अयोग केवलियों का अभी आश्रम बंद तो खत्म हो गया है, इसलिए संसार नहीं कहेंगे उनको, असंसारी। लेकिन अभी मुक्त भी नहीं हुए है, संबंध निर्जरा चल रही है। तत्व कौन सा चल रहा है यहाँ पर? संबंध निर्जरा मोक्ष तत्व, तो मोक्ष सिद्धावस्था में कह रहे। यहाँ पर चौदह गुण स्थान में क्या होता है मालूम आपको? मात्र जो संचित कर्म है उसको खिरना ही खिरना होता है, और तेरह गुण स्थान तक खिरना भी होता है और आश्रय भी चलता है, दोनों चलता है। इसलिए उन्होंने तेरह गुण स्थानवर्ती को जो आश्रय रूप भी था उसको नो संसारी बोला, कथनचित संसारी। क्योंकि ऐसा आश्रय है कि वहां पर बंद नहीं होता। पकड़ में आता क्या? हाँ, धवल की अपेक्षा है। ऐसा आश्रय है कि वहां पर बंद नहीं होता क्योंकि कषाय को लेकर बंद होता है, और असंसारी इसलिए कहा चौदह गुणस्थानवर्ती को क्योंकि वहां पर आश्रय नहीं होता, आश्रय बंद, और लेकिन संबंधा होती रहती है। तो मोक्ष तत्व कैसे कहे? ये नई अपेक्षा। अब हम किसकी तरफ बढ़ना है? संयम पंच परावर्तन की चर्चा करेंगे। आप इसको बारीकाई से बाद में पढ़ लेना, आप पहले तो मेरा ये भाव है आप सब मुझे सुने शांति से। तो ये तत्वार सार पेज 303 मेरा पुराना वाला है, आपके इसमें थोड़े दो चार दस पाँच दस पेज आगे रहेंगे आपके। तो भाग एक में 303 पेज, ये तो संसर्णो मुक्ताश्च सूत्र के अंतर्गत अच्छा निरूपण दिया है, मैं उसको खोलता हूँ थोड़ा समझ लेना। देखो पांच परावर्तन की चर्चा करने, कौन कौन से है ये? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ऐसा न बोल बैठना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और फिर भव, ऐसा नहीं बोलना। मैंने भव पहले बोला, भाव बाद में बोला, उसका कुछ प्रयोजन है। प्रयोजन इतना ही मैं कहूँ, ये उत्तर उत्तर असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, मतलब काल ज़्यादा 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 बढ़ता जा रहा है, उसकी अपेक्षा रखा ये। सबसे ज़्यादा काल ये भाव परावर्तन का कहा है, सबसे जघन्य काल द्रव्य परावर्तन का, उससे अनंत काल ज़्यादा क्षेत्र परावर्तन का, उससे अनंत काल ज़्यादा द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन का, और उससे अनंत काल ज़्यादा भाव परावर्तन का, और भाव का सबसे एंड में रखा अपन ने। देखते हैं अभी हम ये द्रव्य परावर्तन क्या है। पहले परावर्तन का अर्थ क्या लिया था? घूमना। अब देखिए ये जी, अब मेरा ये भाव है, आप सब सुने मुझे, लिखे नहीं कोई, थोड़ा कठिन पड़ सकता है प्रकरण। यह जीव जब भी किसी समय में, कोई एक्स समय हम माने, उसके जन्म समय हम ले ले, किसी भी भव का जन्म समय होगा उसके, तो जन्म समय में वह पहले समय में औदरिक वैकरिक, जन्म समय नहीं भी होगा तो आहार कृतिधारे मुनिराज, जिनके अभी आहार शरीर निकलना है, ऐसे जीवों की चर्चा करो। जिन जीवों के औदरिक
वैखरिक और अहरक, इन तीन शरीर संबंधी किसी भी एक शरीर, इन तीन शरीर में से किसी भी एक शरीर संबंधी छह पर्याप्तियां पूरी होने योग्य वह विशिष्ट परमाणुओं को खींच लेता है वातावरण में से। क्या बोला, कितने जन को पकड़ में आ रहा है अभी? मैं इसलिए कह रहा हूं लिखो मत कोई, अभी ध्यान दो सब, पेन बिल्कुल बंद करो अभी सब, और मेरी तरफ ध्यान दो, मन करो सब। हाँ, बाद में यहाँ से छाप लेना सब। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी जीव का जन्म होता है तो जन्म के पहले समय में वह जीव पर्याप्ति प्रारंभ करता है। आप जानते हो ना, ये विग्रह गति से निकल कर आने के पहले समय में वो पर्याप्तियाँ प्रारंभ करता है। छह पर्याप्तियाँ पता है आपको, सुनिए है पर्याप्तियाँ, ये जैसे आहार पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति का ही अर्थ ये, आहार मतलब इस प्रकरण में ध्यान रखना, आहार का अर्थ ग्रहण होता है, कभी भी आहार का अर्थ ग्रहण होता है। इसलिए अभी इसी सूत्र में हम आगे अर्थ करेंगे, 10-15 दिन लगेंगे अभी, वो तो 30वां सूत्र होगा कोई, उसमें ये आएगा आहारक और अनाहारक दो प्रकार के जीव है, ठीक है। तो आहारक, तो उनको कहा आहारक जो परमाणुओं को खींच लेते हैं बाहर से। तो ये कौन से परमाणुओं को खींचते हैं, उस परमाणुओं को जिससे अपना शरीर बनेगा। तो आहारक मतलब ग्रहण करना, इतना समझ लीजिए आप, आहार मतलब भोजन करना, ये एकदम स्थूल अर्थ करते हैं हम, आहार मतलब होता है ग्रहण करना। अभी देखिए, और अनाहारक मतलब वे जीव जो इन नौकर्म वर्गणाओं को, नौकर्म वर्गणाओं का ये और क्या नाम है, ये आहार वर्गणा को ग्रहण करना, उसको कहते हैं न करना, इसको कहेंगे अनाहारक। समझ रहे हैं आप सब, आगे बढ़ते हो। देखिए देखिए, अभी द्रव्य परिवर्तन क्या चीज है। द्रव्य परिवर्तन में सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि पहले समय में जन्म के औदरिक या वैकरिक, इन दोनों शरीर में से कोई भी एक शरीर, अथवा जिनको आहारक शरीर पैदा होना है उनको आहारक शरीर योग्य वो परमाणुओं को वातावरण में से खींच लेना, उन शरीर संबंधी छह पर्याप्तियों को बनने के लिए। छह पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, सॉरी शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये अभी अभी आपको द्रव्य संग्रह में भी पढ़ना है, पढ़ लिया आपने कल, तो इतने इतने में गड़बड़ कर रहे हैं आप, तो क्रम इसी इसी में भूल गए। आहार पर्याप्ति की क्या परिभाषा बताई, परमाणुओं को ग्रहण करना और उस, और किस योग्यता वाले होते हैं, जिन परमाणुओं को ग्रहण करने पर उनको खल और रस रूप विभाजित करने की सामर्थ्य होना जीव की। क्या कहा, व्हाट इज खल और व्हाट इज रस, खल इज सॉलिड पार्ट और रस इज लिक्विड पार्ट। खल खली, खली होती ना, खली नहीं समझते, खली पशुओं को खिलाते हैं, खली, डोंट यू नो खली, अरे ये मूंगफली है, मूंगफली को वो मिल में डालते हैं और उसको निचोड़ के उसका तेल निकालते हैं, तो पूरा तेल निकाल लिया मूंगफली में से, तो जो बचा एक्सट्रैक्ट, जो बचा ना चीज लगदा बिना तेल वाली चीज, उसको कहते हैं खली, मराठी में कहते पेंड। सरकी की होती है, मूंगफली की होती है, गाय भैंसों को खिलाते हैं ना दूध निकालने के पहले, पेंड पेंड, वो क्या कहते हैं आप उसको, खली खली, नहीं जानते आप लोग, ओहो हो गाय भैंसी नहीं रहे अभी, कौन जाने इसको, चलो ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को। लेकिन क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे मूंगफली का तेल निकालना है, तिली का तेल निकालना है, सनफ्लावर का तेल निकालना है, तेल जब निकालते हैं तो वो मिल में डालते हैं, तो तेल तो एक तरफ आता है और जो उसका पार्ट होता है लगदा, जिसको क्या कह रहा हूँ मैं, खल, तो उसको फिर वो
उसको वो भी बेचा जाता है मार्केट में, उसको कौन लेता होगा? तेल निकलने के बाद उसका क्या रहता है? गाय पशुओं को खिलाया जाता है, वो दूध गाढ़ा आता है फिर उसमें, ऐसा कहते हैं। चलो मैं तो अभी क्या कह रहा हूँ, खल मतलब सॉलिड पार्ट और रस मतलब लिक्विड पार्ट। तो परमाणुओं को ग्रहण करना और परमाणुओं को ग्रहण करके नौकर्म वर्गणाओं को, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके जीव की ऐसी ताकत कि उनको खल और रस रूप बनाए, उसको कहते हैं आहार पर्याप्ति। और फिर शरीर पर्याप्ति क्या है, उस खल को हड्डी चर्बी मांस रूप बनाने की ताकत, और उन रस को खून मतलब सब लिक्विड लिक्विड बनेगा, जितने भी खून मूत्र आदि आदि बनने की ताकत बनाना, यह है शरीर पर्याप्ति। समझ रहे हैं आप? फिर इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर के स्थान पर विशिष्ट अंगोपांग अंग लाना पर्टिकुलर प्रदेश में, यह ऐसे आत्मा की ताकत होना, ताकत की पूर्णता, उसको कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। श्वासोच्छ्वास जीव लेवे, ऐसी जीव में ताकत की पूर्णता, उसे क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। अभी ऐसे ही भाषा और मन में लगा लेना। मुझे तो क्या कहना है, अब पहले समय में पर्याप्तियां चालू होती है होना, अभी पूर्ण तो बाद में होगी, अभी शुरुआत सबकी हो गई पर्याप्तियों की, जन्म के पहले समय में। तो पर्याप्तियां जब होना चालू होती है तो छह पर्याप्तियों के योग्य होने के लिए ये अभी शरीर पर्याप्ति बोला ना मैंने, तो शरीर में कौन सा शरीर? तो कह रहे जिस शरीर का होगा, औदरिक शरीर हो तो औदरिक, न वैकृत हो तो वैकृत, दोनों में से तो एक शरीर रहता ही है बस। और बाकी इस प्रकरण में तो तेजस कर्मण शरीर की तो बात ही नहीं है। और कौन सा शरीर? औदरिक वैकृत आहरक। अब आहरक तो किसी किसी को होता है, हर एक को तो होता नहीं है, मुनियों को ही होता है, और वो भी पर्टिकुलर समय में। तो उस समय में वो वर्गणाओं को ग्रहण करना छह पर्याप्तियों के होने योग्य। तो जिस वर्गणाओं को ग्रहण करता है वे विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं, उनका विशिष्ट विभाग प्रतिच्छेद आदि विशिष्ट होते हैं, और पर्टिकुलर संख्या में वे आते हैं, उसको एक समय प्रबद्ध कहेंगे, एक समय में आने वाले परमाणुओं को ऐसा। और फिर दूसरे आदि समय में फिर से वे खिरना चालू हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, लिखो मत मैं जो कह रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा तब सोच लेना लिखने का। दूसरे आदि समय में, दूसरे तीसरे चौथे समय में वे जो परमाणु पहले समय में ग्रहण किए थे उसको खिरना चालू होता है, और लेना तो चलता ही रहता है। आप समझ रहे हैं सर मेरी बात को? तो ऐसा फिर कितने ही ग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करेगा वो, जो इससे पहले ग्रहण किए थे कभी जीवन में, पूर्व भव में आदि आदि कभी भी। फिर कितने ही अनंत अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, जो कभी ग्रहण ही नहीं किए थे, एकदम फ्रेश पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। और फिर कितने ही ग्रहित अग्रहित रूप मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करता है, और ऐसा क्रम चलते चलते कभी ऐसा एक पॉइंट आता है जिसमें फिर पुनः, जैसे हमने अजूम पहले पॉइंट ऐसा नक्की किया था ना, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जो पहले पॉइंट वत फिर से वैसे की वैसे परमाणु, वैसे स्पर्श वैसे रस गंध वर्ण, और उतनी ही मात्रा के, उतना ही अविभाग प्रतिच्छेद, और सब संख्या वगैरह सब समान, उनका सब प्रॉपर्टीज उतने वैसे ही परमाणु फिर से ग्रहण करे वो छह पर्याप्ति योग्य। तो फिर जब वो स्टेज आएगी उसको कहते हैं एक द्रव्य परावर्तन। समझ में आ रहा है सबको? द्रव्य परावर्तन समझ में आ रहा है? द्रव्य क्यों लिया हमने? क्योंकि परमाणुओं की चर्चा चल रही है, परावर्तन फिर से घूम फिर कर फिर वैसी की वैसी बात हो गई। मतलब कुल मिला के जैसे हमको शक्ल मिली है ना यहाँ पर अभी सब एक एक चीज, वैसे फिर एक एक चीज फिर से हमको मिलेगा। जैसे ये सचिन आपको दिख रहा है वैसे फिर, जैसे परमाणु को ग्रहण कर फिर काल चक्र में कभी ऐसा टाइम आएगा कि हूबहू सब एक एक चीज इसके शरीर की होगी, कहीं काला है कहीं गोरा है तो कहीं कुछ कहीं उबड़े है कहीं खाबड़ है कहीं ऊंचाई है कहीं, सेम हूबहू ऐसे परमाणुओं को उसी परमाणु को ग्रहण करेगा घूमते घूमते। तो
तो इसको कहते हैं एक द्रव्य परावर्तन, लेकिन इस द्रव्य परावर्तन को कहेंगे नौकर्म द्रव्य परावर्तन। क्यों? ये नौकर्मों की चर्चा हम कर रहे हैं अभी, समझ में आ रहा है? अभी अभी लिखना नहीं है अभी किसी को, अभी थोड़ा रुकना है। अभी इसी में द्रव्य परावर्तन के दो भेद मूल में बनने हैं, एक नौकर्म द्रव्य परावर्तन और एक द्रव्यकर्म द्रव्य परावर्तन। अब द्रव्यकर्म द्रव्य परावर्तन में क्या आएगा? आठ कर्मों के बंधने योग्य, आठ कर्मों के बंधने योग्य जब जीव ऐसे परमाणुओं को ग्रहण करेगा, विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, विशिष्ट अविभाग प्रतिच्छेद वाले, जब ऐसे ग्रहण करेगा आठ कर्म के बनने योग्य, फिर एक समय प्लस एक अवली के बाद उसका खिरना चालू होता है और बंधना तो निरंतर चल ही रहा है। इस बात को मैं फिर फोकस करूंगा दो तीन मिनट बाद। फिर खिरना चालू होते हैं और फिर कई ऐसे परमाणुओं को ग्रहण करता है। ये कौन से परमाणु है? ये आहार वर्गणा नहीं है, ये कार्बन वर्गणा है। ऐसे अनंत कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करता है जो पहले ग्रहण कर चुका था, फिर अनंत ऐसे कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करता है जो अग्रहित, जो पहले कभी ग्रहण नहीं किया था, और फिर ऐसे अनंत परमाणु है जो ग्रहित अग्रहित मिश्रित रूप उनको ग्रहण करता है। फिर घूमते घूमते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हूबहू जैसे कर्मों की स्थिति है ना हमारे अंदर की, ज्ञान और उनका पर्टिकुलर एक डेफिनेट शेपशम चल रहा है, दर्शन और उनका डेफिनेट शेपशम, केवल ज्ञान और उनका उदय, उसमें केवल ज्ञान और उनके के उदय में जैसे परमाणु है, एक केवल ज्ञान और उनका तो कर्म है नहीं जो सबको एक समान उदय में आ रहा है, सबका अलग अलग कर्म होता है। आप पे भी केवल ज्ञान और उनका उदय, मेरे पे भी केवल ज्ञान और उनका उदय है, लेकिन आपके परमाणु अलग, मेरे परमाणु अलग, स्कंद तो आपका स्कंद जैसा है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, हूबहू वैसा ही फिर से बनेगा। एक एक प्रकृति संबंधी 148 प्रकृति संबंधी घूम फिर कर उसको कहेंगे एक द्रव्य कर्म द्रव्य परावर्तन। इसको अपना ऐसा बोल सकते हैं एक नौकर्म परावर्तन और एक द्रव्य कर्म परावर्तन, और दोनों परावर्तन ये द्रव्य परावर्तन के भेद है। कितने जन बिंदु को अच्छे से पकड़ रहे हैं? बहुत अच्छा। इसलिए मैंने कहा था अब ध्यान देना मेरे बात को, अभी कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछ सकते हैं, दो मिनट रुकिए। मैंने बोलने में एक सावधानी रखी, आपको याद होगा तो मैंने ये बोला है कि जब नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, नौकर्म वर्गणा मतलब जो इस शरीर के बनने में लगती है छह पर्याप्तियों में, जिसको मैं आहार वर्गणा भी बोल रहा हूँ, और वहां पर मैं कर्म वर्गणा बोल रहा हूँ जो कर्म के बनने में, ज्ञान वर्ण आदि कर्म के बनने में लग रही है। दो वर्गणा अलग अलग है। अरे भैया 23 स्कंद है कि नहीं? 23 प्रकार के स्कंद में 5 वर्गणाएं है कि नहीं? कौन कौन सी वर्गणाएं है? ये तेजस वर्गणाएं तेजस शरीर बनाती है, यह आहार वर्गणाएं औदरिक वैकरिक और आहार तीनों शरीर बनाती है, आहार वर्गणा और कौन मनोवर्गणा बोलो द्रव्य मन बनाती है, भाषा वर्गणा भाषा शब्द बनाती है, और कौन सी वर्गणा रही? कर्मण वर्गणा कर्म बनाती है। ये 5 वर्गणाएं ही 23 वर्गणाओं में से 23 वर्गणाओं में से 5 वर्गणाएं ही जीव के साथ कुछ संबंध रखती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ में आता है? मैं थोड़े दिन पहले बोला था मैंने पंचभाव के प्रारंभ में 23 वर्गणा में से मात्र कर्मण वर्गणा में औदयिक भाव रहता है, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? मैंने कहा औदयिक भाव और अन्य कोई द्रव्य में कोई भाव होते क्या पांच भाव? तो मैंने कहा था औदयिक भाव पुद्गल में होता है, वो भी मात्र कर्मण वर्गणाओं में, बाकी 22 प्रकार के स्कंद में नहीं होता। नहीं याद आ रहा आपको? इतना भी बोला था? पक्का याद आ रहा है? इतना तो याद आए कम से कम भैया। अब तुमको ये भी याद नहीं मैंने बोला कि नहीं बोला, और अभी कितना टाइम हुआ उसको बोल के? 10 दिन से ज्यादा नहीं हुआ? 10 दिन क्यों? 8-9 दिन हुए होंगे। आज कौन सा पीरियड है अपना चल रहा है? 7वां 8वां चल रहा होगा, 8वां। चलिए बोलो कोई प्रश्न है? एक मिनट, मेरा हुआ नहीं अभी, रुको रुको जरा। समझ रहे हैं मेरी बात को मैंने क्या कहा? देखिए औदरिक वैकरिक और आहारक तीनों प्रकार के शरीर कौन से परमाणुओं से बनते हैं? आहार वर्गणाओं से, ठीक है। इसी को नौकर्म वर्गणा भी कहते हैं, नौकर्म वर्गणा। नौकर्म वर्गणा इसी के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि नौकर्म के बनने में
ये कार्य कर। नोकर्म मतलब इसको नोकर्म कहते हैं, औदरिक शरीर वैकरिक और आहारक इन तीनों को नोकर्म कहते हैं। पकड़ में आता है? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये परमाणुओं को ग्रहण किया तो दूसरे ही समय में इनका खिरना चालू हो जाता है और ग्रहण तो चलता ही रहता है और एकदम लास्ट मोमेंट मात्र 14 गुण स्थान में फिर वो ग्रहण करना कम बंद होता है शरीर के परमाणुओं का, मात्र खिरना खिरना और उस एक गुण स्थान में सबके सब परमाणु खिर जाते हैं और तब यह जीव अशरीरी हो जाता है। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को? ठीक है। अतः यू समझो, एक भव संबंधी यदि लेना है तो मरण के काल में यह सब परमाणुओं को खिरा देता है। पकड़ में आ रहे? और नया शरीर जो धारण करेगा विग्रह गति के बाद फिर पहले समय में फिर वो वर्गणाओं को ग्रहण करना चालू करेगा, तभी इनपुट होगा ज्यादा आउटपुट होगा कम। पहले समय में तो आउटपुट होने का सवाल ही नहीं, लेकिन दूसरे समय तीसरे समय में आउटपुट होगा कम इनपुट होगा ज्यादा। पहले में इनपुट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आना ही आना है अभी, और एकदम लास्ट मोमेंट में आउटपुट होगा 100%, इनपुट कुछ नहीं होगा। संबंध निर्जरा हो जाएगी, वहां पर आश्रय नहीं होगा और संवर होएगा और फिर निर्जरा निर्जरा होनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन मैंने कार्मण वर्गणा में ऐसे घटित किया द्रव्य कर्म परावर्तन में कि जिस समय में आएंगे उसको छोड़कर एक समय प्लस एक अवलि के बाद खिरना चालू होंगे, द्वितीय समय नहीं बोला। क्यों ऐसा किया मैंने? ये इसलिए किया क्योंकि जब भी कर्म बनता है ध्यान रखना अपने शरीर के कोई परमाणु आए वो दूसरे समय में भी निकल सकते हैं, निकलते दूसरे आदि समय में, लेकिन कर्मों का ऐसा नहीं है। कर्म जब भी बंधेगा जीव को तो कर्म बंधने के कम अंतर्मुहूर्त तो कर्म तो रहता ही है। कितना अंतर्मुहूर्त के पहले वो उदय में आता ही नहीं, नियम है। पकड़ में आता है? अब फिर चर्चा पड़ेगी, मैं और बताऊंगा। आबादा काल पड़ेगा, नहीं जानते आबादा काल? आबादा काल मतलब पर्टिकुलर पीरियड वो उदय में नहीं आता, कर्म स्टॉक में पड़ा रहता है। सत्ता, सत्ता कहते उसको, उदय सॉरी बंध सत्ता उदय, तुरंत बनने के बाद तुरंत उदय में थोड़ी आता है, अरे हजारों साल के बाद आ सकता है उदय में, तो सत्ता में उसको पड़ा रहता है। तो कम से कम अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा। तो अंतर्मुहूर्त छोटा अंतर्मुहूर्त कितना है? एक समय प्लस एक अवली, इसलिए मैंने एक समय प्लस एक अवली बोला। जगन्य अंतर्मुहूर्त एक समय प्लस एक अवली, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त दो समय कम 48 मिनट। यह नहीं पढ़ा हमने कभी आज तक? पढ़ा है कि नहीं आज तक? किसी को याद आ रहा है पढ़ा वाला? कहां पर पढ़ा? बराबर। और उससे पहले गुणस्थान भी पढ़ा है ना आप लोगों ने दीदी से आठ, तो वहां पर तो अंतर्मुहूर्त की परिभाषा आती आती है। छोटा अंतर्मुहूर्त एक समय प्लस एक अवली, बड़ा अंतर्मुहूर्त दो समय कम 48 मिनट, और इसके बीच के जितने भेद है उसको कहते मध्यम अंतर्मुहूर्त के भेद है वे सब। चलो मैं आगे, इसलिए ये एक समय प्लस एक अवली का वो गैप अपन ने रखा कर्म परावर्तन में। अभी कितने जन को क्या प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, बोलो भैया। द्रव्य परावर्तन मैंने पूरा किया, बोलिए। बैठिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये समझ कर लाभ ये है कि हमने कोई भी परमाणु ऐसा नहीं जो अनंत बार ग्रहण न किया हो, समझ रहे? सभी परमाणु वो पर्टिकुलर ढांचा वो रूप सब हमने अनंत बार ग्रहण किया है आज तक, कोई एक बार नहीं। और ऐसा पूर्व में भी ग्रहण किया था, आगे भी ग्रहण करेंगे ये। और एक अंतराल कितना पड़ता है ग्रहण करने में? अनंत काल बीत जाता है, मतलब इतना लंबा परावर्तन है ये बताना है। ये दो परावर्तन के बीच में कितना काल? अनंत काल। और ऐसे अनंत बार हमने परावर्तन किया है, समझ में आ रहा है सबको? ये द्रव्य परावर्तन कहते हैं। आपने सुना है अर्धपुद्गल परावर्तन? सुना है ये शब्द? ये कहां पर प्रयोग किया जाता है अर्धपुद्गल परावर्तन, कोई बताएगा मुझे? सम्यक दृष्टि होने के बाद ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में रहता है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन मतलब ये प्रश्न निरंतर आपके दिमाग को कुदेरता रहा, ये पुद्गल परावर्तन क्या चीज है? ये पुद्गल परावर्तन ये चीज है जो मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं? पुद्गल परावर्तन जितना काल वैसा का वैसा शरीर बनने को लगेगा,
अथवा जितना कल वैसे के वैसा कर्म व्यवस्था होने को लगेगा, उसको कहते द्रव्य परिवर्तन। और दोनों का काल समान बताया, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन हो अथवा द्रव्य कर्म परिवर्तन हो, कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आधा काल उसको कहते हैं अर्धपुद्गल परिवर्तन, वो भी अनंत काल में चला जाता है। सम्यक तो होने के बाद इतना काल रह सकता है संसार में। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। द्रव्य परिवर्तन बोलिए। ऐसा नहीं है, आगे पीछे होगा, उनका काल पीरियड समान है। आपका ये कहना है, हाँ लगभग ऐसा मान भी सकते हैं अपन, कोई आपत्ति इसलिए नहीं है, बराबर बोला है आपने। आपका ये प्रश्न है, जिस समय में द्रव्य परिवर्तन होगा क्या उसी समय में जिस समय में ये नो कर्म परिवर्तन होगा क्या उसी समय में द्रव्य कर्म परिवर्तन होगा क्या, प्रश्न ये है। तो मानने में आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर शक्ल हमको मिली है, तो पर्टिकुलर शक्ल मिली है तो उस संबंधी नाम कर्म आदि की प्रकृतियां भी उसी समय में होगी वहां पर। हमको पर्टिकुलर इष्ट अनिष्ट का भाव भी उत्पन्न हुआ है वो अभी, ये तो खैर भाव में चला जाएगा, अभी तो अपन द्रव्य की बात करते हैं। लेकिन जैसा द्रव्य यहाँ पर शरीर आदि मिला है तो शरीर के कारणभूत, और सुनना यहाँ पर, शरीर नहीं लेना, बीवी बच्चे आदि कुटुंब कबीला भी लेना है पूरा, जैसे मम्मी पापा हमको मिले हैं इस शरीर के साथ, जैसी उनकी शक्लें आदि वैसे ही वहां पर भी मिलेगा। फिर सब परिकर घर वगैरह सब समान, तो फिर लगाना पड़ेगा वैसे का वैसा अघाती कर्म भी। ए थोड़ा समझना, प्रश्न तो अच्छा आया है बहुत, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस शरीर का रिलेशन मात्र अघाती कर्मों के साथ तो बन रहा है, भावों के साथ तो नहीं बन रहा है, तो फिर ये लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या भाव परिवर्तन की भी एक साथ ले क्या फिर, क्योंकि वैसा भाव होगा तभी तो वैसे कर्म होंगे। कितने जन बात समझ रहे मेरी बात को, लेकिन भाव परिवर्तन का काल तो बड़ा आनंद का कहा आप समझे, तो ये अपन जा सकते हैं केवल ज्ञान गोचर, अपने दायरे की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर ये प्रश्न खड़ा होगा आपको कि जिस समय में द्रव्य परिवर्तन चालू होता है नो कर्म, उसी समय में द्रव्य कर्म परिवर्तन अपन कहेंगे कि कदाचित वैसा कहे, लेकिन द्रव्य कर्म में कोई अघाती ही तो नहीं है, अघाती के साथ साथ घाती भी तो है, और घाती का उदय कोई शरीर आदि में नहीं आता है, तो घाती का उदय अपने भावों में आता है, और भावों को समझने के लिए भाव परिवर्तन समझना है हमको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब मोटे मोटे स्तर पर बोल सकते हैं, जिस समय में द्रव्य नो कर्म परिवर्तन होगा उसी समय में द्रव्य कर्म परिवर्तन होगा, मोटे मोटे स्तर पर, ठीक है। अब बोलिए, कोई बताए बोलो। हाँ हम शकल मतलब एक सरीके ऊपर से दिखते हैं, दो सेब एक सरीके दिखते कि नहीं, उनमें फर्क है। हमको एक सरीके दिखते हैं हमारे स्थूल दृष्टि से, माँ पहचान थी कि नहीं उनको, है ना। माँ को आज तक कभी भ्रम हुआ एक ही बच्चे को दो बार भोजन खाया होगा कि मम्मी ने, समझ रहे हैं मेरी बात को। दो जुड़वा बच्चे हुए एक एक साल के, कोई नहीं बोल रहा है, बोलता होता तो बोलता है मैंने भोजन कर लिया, गलती से एक ही बार एक ही जन को दो बार भोजन कराए और एक को भूखा ही रखे, ऐसा हो सकता है मैंने इसको भोजन कराया कि उसको भोजन कराया, उसको हो सकता है ऐसा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा है। फिर भोजन करने के बाद यहाँ पर टिक्का लगा दिया एक कि फिर अभी इसको भोजन करा दिया, फिर दूसरे बच्चों को अभी इसको कर दिया इसको टिक्का लगा दो, ऐसा कुछ चिन्ह करती होगी या तो लिखती होगी मुँह पर इसको भोजन कराया सिग्नेचर, वो याद रखती है कि नहीं बराबर। ये तो ऊपर रूप से हमको ख्याल में नहीं आता फर्क जुड़वेपन का, ये बिल्कुल हम शक्ल जिसको कहते हैं थोड़ा फर्क होता ही है, समझ में आ रहा है, बैठिए बोलो। और सुनो, वहां पर भी कर्म की व्यवस्था तो अलग अलग वहां पर भी चलेगी, ये बोलो। हाँ लेकिन आज भी ऐसे अनंत परमाणु है जिसको जीव ने ग्रहण नहीं किया, तो ग्रहित अग्रहित मिश्र ये हर जगह लगाना है, निरंतर निरंतर लगाता रहना है। और इसके बावजूद भी अनंत परमाणु जिसको जीव ने ग्रहण नहीं किया, कार्मण वर्गणाएं भी ऐसी है और आहार वर्गणाएं भी ऐसी, समझ में आ रहे। लेकिन हूबहू स्थिति फिर से बनेगी कभी, तो वो एक परिवर्तन में चला जाएगा, एक द्रव्य परिवर्तन, दैट विल बी कॉल्ड एज। कितने जन को प्रकरण अच्छे से समझ में आ रहा है,
और इस तर्क के आकर समझाए यहां पर, ये चाहिए मुझे, कितने जन समझा सकते हैं? अभी देखो दो तीन बच्चे तो ऑफ हो गए इसी इसी में। क्यों भैया तुम क्यों नहीं समझा सकते? एक अमन, एक तुम और कौन, यहां पर को किसका हाथ ऊपर नहीं था? आपका भी नहीं है, बस आपको समझ लो अभी क्या होगा पेपर में आपका, वहां पर टॉप भी करोगे तो आपका समझना कुछ। यहां पर ध्यान चाहिए मुझे, तीन जन को समझ में नहीं आ रहा है और इस तरफ से कहो तो एक चार, ये मतलब कितने बच्चे हैं ये कुल? 16 बच्चे में से चार जन समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को, और बाकी 12 जन समझ रहे बात को। शंका है कुछ तो शंका में निराकरण कर सकता हूं। ये तो दुर्भाग्य है आपका। क्या दुर्भाग्य है आपका बोलो? आपको बोलना चाहिए था हमको ये बिंदु समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने मन स्वयं से नहीं बोला, ए तुम ये नहीं समझना, तुमको नहीं बोल रहे, समझ रहे तुम? ये तो तुम बोल रहे पकड़ लिया मन को, तुमको इतना चाहिए समझने की, हम पूछे हमको ये बिंदु समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये बिंदु बोलो, क्या है प्रश्न बोलो। सम्यक दृष्टि से भी कम काल होता है क्या? जब परावर्तन किसी का क्या किसी का हाँ हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है जो 4 दिन में मुक्ति को जाएगा, नहीं हो सकता है 10 दिन में मुक्ति को जाएगा, अरे ज्यादा से ज्यादा काल है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन सम्यक दृष्टि का, जिसको सम्यक तो अभी प्राप्त करना है उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा काल नहीं रहा ये कहा जाता है, ज्यादा की बात है वो। कम में तो क्या अंतर मुहूर्त में साफ कर सकता है पूरा, कम में की तो कोई बात थोड़ी है, ज्यादा की बात चल रही है। तो ये पुद्गल परावर्तन, ये वाला पुद्गल परावर्तन है, और एक नौकर्म पुद्गल परावर्तन इज इक्वल टू एक द्रव्य कर्म पुद्गल परावर्तन, ये तुम समझते नहीं हो, समझने की जिज्ञासा नहीं, तो आने में क्या लाभ है यहां पर, आने में क्या पॉइंट है फिर? अटेंडेंस के लिए आते क्या तुम? कि मुंह दिखाई के लिए आते? मुंह दिखाने दिखा के आ जाओ, समझने के लिए आना होता हो, नहीं तो आने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। कहां तक आए बोलो? जैसे अनंत काल में मतलब उस भव के परमाणु मिलते रहते हैं, तो कुछ जैसे अनंत काल से पहले पिछले भव के कुछ परमाणु अभी इस शरीर में होंगे। हाँ क्या क्या मतलब जैसे अनंत काल में जीव को पहले जैसे परमाणु खिंचते रहते हैं अनंत काल तक, तो मतलब पिछले भव के परमाणु भी शरीर में हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। बैठिए, अभी अभी खोज करी है इन्होंने हिमालय में कोई गड़े मुर्दे को निकाला, और मुर्दे को निकाल के उन्होंने उस पर ये किया है विचार। सुनो देखो, वे ये बोलते हैं, वैज्ञानिक भी आज बोलने लग गए, वैसे वे अभी तक ये बोलते थे कि हर 6 महीने में टोटली अपना सब बदलता रहता है, सब एक एक फीचर्स, इसलिए भविष्य भी आप देखने जाते हो तो वे कहते हैं ये 6 महीने तक वैलिड होगा, फोटो भी आपका 6 महीने तक ही वैलिड होता है, जो वे कहते हैं 6 महीने के बाद नया फोटो चाहिए। क्यों? पर्टिकुलर सेक्शंस में वो कहते हैं रिसेंट फोटो मांगते हैं, वे कहते छोटा था तब दांत भी नहीं निकले थे तब को फोटो लाए तुमने बोले, अब बुढ़ा हो गए तू, वो नहीं चलेगा, और कह रहे 6-6 महीने पहले का चाहिए, क्यों 6-6 महीने में शक्ल बदलती रहती है आदमी की। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी कोई ये शोध खोज हुई तो हिमालय में कोई एक मुर्दा दिखा उन्होंने निकाला बाहर, तो ये उनका ये कह रहे वैज्ञानिकों का 5000 वर्ष तक कम से कम वैसे के वैसे परमाणु रह सकते वहां पर अनचेंजेबल रूप से, समझ में आ रहा है? और फिर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे कई कथन आ रहे हैं जिनका कहना है हजारों वर्ष तक वैसे के वैसे बने रह सकते हैं, और वैसे के वैसे प्रत्येक समय में आ रहे खिर रहे। अभी जरूरी नहीं कि वैसे के वैसा है कि वही है ये परमाणु, समझ रहे हैं आप? वही परमाणु होने ये भी कोई जरूरी नहीं है, और वैसा का वैसा होना भी जरूरी नहीं है, रहा होगा वही परमाणु 5000 वर्ष का, लेकिन हम स्थूल बुद्धि वालों को समझ में थोड़े आना है कि वही का वही है कि वैसा का, अकृत्रिम जिनाले है कि वैसे के वही वही परमाणु है क्या? वैसे के वैसे परमाणु है वे, नहीं समझ रहे आप? कितने जन समझ रहे बात को? क्या बात है, क्यों नहीं समझ रहे? समकित समझ रहे तो हाथ ऊपर करो ना, जो समझ रहे मुझे देखना है ना कितने जन समझ रहे इस बात को। जरूरी नहीं है कि नए नए परमाणु आए, सॉरी वे ही परमाणु बने रहे, क्योंकि पुरन गलन तो चलता रहेगा, लेकिन नया परमाणु आते और पुराने भी जाते तो वैसा का वैसा आकार प्रकार बना रहता है।
चलना है आगे बोलिए। हाँ, एक समय प्रबद्ध आते हैं, एक समय प्रबद्ध जाते हैं, लगभग उतने ही आते हैं अनंत जाते हैं। अभव्य जितने हैं ना उससे अनंत गुना और भव्य राशि के अनंत विभाग, इतने परमाणु प्रत्येक समय में आते और इतने ही चले जाते हैं। ये लगभग उतने ही आते उतने ही जाते, लगभग इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा फ्लक्चुएशन होता रहता है। किसको लेकर? योग को लेकर। योग विशेष हो रहा हो तो विशेष परमाणुओं को ग्रहण करेंगे, फिर ज्यादा योग कम हो तो कम परमाणुओं को ग्रहण करेंगे, ऐसा होता रहता है। और खिरने का कोई शर्त नहीं है, खिरने को तो, लेकिन ये वैल्यू होगी एक समय प्रबद्ध, अनंत की तो ये तादाद बनी रहेगी है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत चलता रहता है। बोलिए, चलना है आगे बोलो। क्या संबंध है क्या जाति स्मरण के लिए? तो श्रुत ज्ञान की आवश्यकता है, विशेष निर्मल, विशेष निर्मल श्रुत ज्ञान चाहिए, तो फिर तो अकल शकल एक शरीर की नहीं हो तब भी पता चल सकता है। वो तो जाति स्मरण के लिए तो श्रुत ज्ञान चाहिए, कोई शकल एक शरीर की होकर काम थोड़ी होगा, क्या इसी मेरी शक्ल थी ये याद आए। चलना है आगे। एक द्रव्य परिवर्तन सबको समझ में आ रहा है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें चार बातें समझना, वही पुद्गल परमाणु, उन्हीं स्निग्ध आदि संबंधी, उतने ही संख्या वाले, वैसे ही अविभाग प्रतिच्छेद वाले, ठीक है। और जितना काल पीरियड जाता है बीच में उसको एक पुद्गल परिवर्तन कहेंगे। कर्मण वर्गणा में भी लगा लेना और नौकर्म वर्गणा में भी लगा लेना। ये द्रव्य परिवर्तन हुआ। अब क्षेत्र परिवर्तन की चर्चा करते हैं, ध्यान से गौर से सुनो अभी जल्दी जल्दी। व्हाट इज क्षेत्र परिवर्तन? देखिए वहां पर यह बताया गया द्रव्य परिवर्तन में कि एक भी परमाणु ऐसा नहीं रहा है कि हमने उसको अनंत बार ग्रहण नहीं किया हो। यह भी स्थूल कथन है, क्योंकि अनंत परमाणु ऐसे है जो ग्रहित है जिनको अभी तक ग्रहण ही नहीं किया। लेकिन यह तो इसलिए बताया जाता है कि मोह ममता छोड़ो बाह्य द्रव्य से, ये पेन अच्छा लगता है, ये गाड़ी अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे लगते हैं, छोड़ो, कई दफे ऐसा सहयोग मिला है तुमको, इससे बढ़िया बढ़िया भोग तुमने भोगे। ये द्रव्य परिवर्तन पकड़ में आ रहे, सुंदर नारी, सुंदर शरीर, अरे कई दफे सहयोग बना है तुमको, समझ में आ रहे, अरे कई दफे तुम स्वयं बने इतने सुंदर कामदेववत। आगे आगे बढ़ते, ये द्रव्य परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन क्या कहता है हमको? अभी इमेजिन करो, सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव इमेजिन करो, सबसे छोटी अवगाहना जीव की घनांगुल के असंख्यात भाग होती है। और वो कब होती है ये छोटी अवगाहना, कोई बताएगा मुझे? ये सबसे छोटी अवगाहना किसकी होती है आप में से? एनीवन? बहुत अच्छा, निगोदिया में भी कौन? बहुत अच्छा, लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी, लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी में भी कौन? उसमें दो भेद है, लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी में भी कौन कौन से दो भेद है इसमें? हाँ, सूक्ष्म और बादल। अभी भी वहां पर भी चर्चा आएगी, आपको पढ़ ली, सूक्ष्म और बादर है ना। अभी सूक्ष्म और बादर ये भेद बन रहे, तो इसमें भी कौन? सूक्ष्म की चर्चा है, मतलब तीन बातें होना जरूरी, सूक्ष्म, लब्ध पर्याप्तक और निगोदिया, तीनों बातें होना चाहिए। बादर होगा तो नहीं चलेगा, और लब्ध पर्याप्तक में, लब्ध पर्याप्तक कोई निगोदी होता है ऐसा नहीं, पांच इंद्रिय तक लब्ध पर्याप्त हो सकता है, ये तो आप सब जानते ही है ना। क्षुद्र भव कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सबसे छोटा भव होता है, एक सांस में आठ दस बार वाले, ये जन्म मरण वाले, ये जीव, इनकी कितनी आयु बोली है? एक श्वास के आठवें भाग मात्र इनकी आयु रहती है, ज्यादा नहीं जीते ये। लब्ध पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, इनको अपर्याप्त कहते हैं, इनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती एक भी, जो अभी अभी तक गिनाई थी छह पर्याप्तियां। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदी जीव को उसने जन्म लिया, और ये लब्ध पर्याप्तक के आप जानते हैं एक मुहूर्त में ज्यादा से ज्यादा 66,336 भव हो सकते, सुना आपने कभी? किससे सुनाइए, पढ़ाया था आपको कभी? तो ये जब 66,336 भव होगा अंतिम भव, और वो भी इसी लब्ध
लब्धे पर्यप्तक निगोधि जीव का, लब्धे पर्यप्तक तो वही है सब, निगोधि सूक्ष्म का होगा ये ध्यान तिम्भ हो, तो क्या होता है तो उसकी अवगाहना सबसे छोटी तब होती है। बाकी सभी लब्ध पर्याप्तक के, सूक्ष्म निगोधि जीव के, सबकी अवगाहना छोटी नहीं होती, वो पर्टिकुलर बात है ये। 66,336 भव होगा तो उसमें भी समझे सब, पहले समय में उसका आकार रेक्टेंगुलर कहा है, आयत आकार, अवगाहना क्या है उसकी रेक्टेंगुलर आयत आकार। दूसरे समय में उसकी अवगाहना संकुचित होकर ये रेक्टेंगल के दो हिस्से दोनों तरफ के हटा दो जिससे एक स्क्वायर बन जाएगा, वैसे अवगाहना बन जाती है उसकी। और फिर स्क्वायर में एक गोला बनाओ सर्कल, और चौकोर पार्ट चारों जगह के उसको हटा दो, तीसरे समय में अवगाहना हो जाती है। यह अवगाहना है घनांगुल के असंख्यात भाग जो सबसे जघन्य अवगाहना है। कितने जन समझ रहे? बस तीसरे समय में ही ये होनी, फिर चौथे समय में फिर अवगाहना बढ़ती जाने, मतलब जीवन पीरियड में पूरे उनके, उनका जीवन कितना, एक सांस के 18 भाग, पूरा जीवन काल में उतनी अवगाहना रहती, ये नहीं बोल रहे यहाँ पर, कह रहे वो पर्टिकुलर पीरियड में। तो जिस पर्टिकुलर पीरियड में तीसरे समय में वो सबसे छोटे अवगाहना होगी, अब ऐसा जो कंसिडर करो आपके दिमाग में, और क्या कंसिडर करो, और एक कंसिडर करो चीज, ये एक चीज कंसिडर करे, सुमेरु पर्वत दिमाग में लाओ, आ रहा है दिमाग में, उसके तल में, बेस में, बिल्कुल बेस सेंटर उसका नीचे का पकड़ लो, तो उसके 8 मध्य प्रदेश है। क्या बोला? बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ये विश्व का, विश्व का सेंटर पॉइंट, तो इसको 8 मध्य प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये अपना भोपाल वाला मध्य प्रदेश नहीं है, ये 8 मध्य प्रदेश, ये 8 पॉइंट्स है ऐसे सुमेरु पर्वत के नीचे जो सेंटर माने जाते हैं। प्रश्न है मेरा, सेंटर तो एक होता है, 8 कैसे हो सकते है? बोलेगा कोई? विरल बैठो जरा, सेंटर कितने हो सकते हैं? 8 कैसे हो सकते हैं सेंटर? हो सकते हैं, हो सकते हैं, सुनो सुनो जरा सुनो, बताओ इसका मध्य कितना है, इसके मध्य कौन है इसका? तो आप बोलोगे ये है मध्यमा उंगली, लेकिन और एक उत्तर हो सकता है, ये तीनों मध्यम है, बीच में ये तीन आते, ये भी उत्तर हो सकता है कि नहीं? देखो 1 से लेकर 75 की गिनती में बीच का कौन सा फिगर है, कौन सा फिगर है? 37, 38 नहीं होकर मैं यदि 3 सेक्शन बनाऊ 1 to 25, 26 to 50 एंड 51 to 75, बीच के कौन है? तो 25 हो गए कि नहीं बीच के? मतलब जरूरी नहीं बीच में मतलब एक ही होना चाहिए। तो ये 8 प्रदेश अपन ने ये मध्य प्रदेश बनाए, यू मे गो नाउ। कितने बनाए मध्य प्रदेश? 8 मध्य प्रदेश बनाए, ये कहा के सुमेरु पर्वत के नीचे के। और समझ लो अभी आप अपनी नाभि है ना, अपनी नाभि के भी अगल बगल में 8 मध्य प्रदेश होते हैं। क्या होते हैं ये? तो उसके कहां होते होंगे मुझे नहीं पता, निगोधि के भी, क्योंकि उसकी नाभि वाभि तो होने का सवाल ही नहीं। तो उसके 8 प्रदेश मध्य प्रदेश, उसके 8, और वे 8 मध्य प्रदेश किसके? सुमेरु पर्वत के नीचे के। ये बराबर कोइंसाइड होता है एक के ऊपर एक, जैसे नट बोल्ट से पैक किए जा सकते हैं। आप समझ रहे? होता ना छेद को छेद मिलाते हैं हम और फिर नट बोल्ट से पैक करते हैं, ये बराबर इसके 8 मध्य प्रदेश और उसके 8 मध्य प्रदेश बराबर कोइंसाइड होवे, ऐसा एज्यूम करो आप। आप समझ रहे मेरी बात को? एज्यूम करना है दो कंडीशंस। अपन को क्या देखना है? क्षेत्र परिवर्तन चल रहा है हमारा, तो एज्यूम करो उसने वहां से जन्म चालू किया, वहां से जन्म कहां से? सुमेरु पर्वत के नीचे, नीचे मतलब चाहे जहां से नीचे से नहीं, उसके 8 मध्य प्रदेश और अपने 8 मध्य प्रदेश मिले दोनों के, वहां से उसने जन्म चालू किया। पहला एज्यूम करो, पहला पॉइंट किसने? निगोदिया ने। अब उसकी जितनी अवगाहना है घनांगुल के असंख्यात विभाग, उसमें जितने प्रदेश है उतनी बार वही पर जन्मा मरा, जन्मा मरा अनंत बार, इसका मतलब फिर वो हो गई संख्या बराबर। कितनी संख्या बराबर हो गई बताओ? कौन कितने जन बता पाएंगे कितनी संख्या बराबर हो गई? हाथ ऊपर चाहिए, हाथ ऊपर चाहिए। संख्या कितनी बराबर हो गई?
बस इतने हाथों पर संख्या कितनी बराबर हो गई, मतलब ये उत्तर मुझे अपेक्षित था कि घनांगुल के असंख्यात भाग में जितने असंख्यात प्रदेश है उतने प्रदेश वो संख्या उतने भव इसने धारण कर लिए, पकड़ रहे सब। तो फिर पूरा हो गया वो कोर्स, फिर एक प्रदेश उसमें मिलाओ, इतनी अवगहना वाला जीव जन्मा और थोड़ा सा सरकप बगल में, फिर उतना भव जी लिया कितनी भी आयु हुई होगी, फिर और एक प्रदेश अवगहना बड़ी थोड़ा सा और सरका इतनी आयु जी ली, फिर और सरका सरकते 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 एक एक प्रदेश व्याप्ते व्याप्ते उसने मान लो पूरे तीन लोक तक चला गया। समझ में आ रहा है? और ऐसा चक्र घूमते समय बढ़ते समय वो एक पूरा वो सेट हो जाएगा उसका, बढ़ते बढ़ते जितना बढ़ सकता है अवगाना वाला, तो इतना बड़ा वो अवगाना में, तो लौट कर फिर जब वहां पर निगोदी के में भी आएगा वही से आठ मध्य प्रदेश, उसको कहेंगे एक क्षेत्र परावर्तन। कितने जन ने बात को समझा, इसमें थोड़ी दाव पे चितनी सी अपन ने बनाई कि वो जितने वो प्रारंभ में उतनी बार जन्म लेगा वहां पर जितने प्रदेश वो है अभी वहां पर, इतना थोड़ा करना। क्यों? क्योंकि फिर एक एक प्रदेश आगे बढ़ेगा तो एक एक भव तो उसके ले रहे, लेकिन इसका एक भव लेके काम नहीं चलेगा, इसके तो उतने भव लेने पड़ेंगे जितने प्रदेश में अभी वो खड़ा है, क्योंकि एक प्रदेश में तो जन्म नहीं सकता ना जीव, जन्मता तो बहुत सरल हो जाता क्षेत्र परिवर्तन। क्या सरल होता? मान के चले एक प्रदेशी पहले हुआ, फिर दो प्रदेशी, फिर तीन प्रदेशी, फिर चार प्रदेशी, पांच, फिर बढ़ते बढ़ते असंख्यात हुआ, हो गया एक क्षेत्र परिवर्तन, ये इजीली बोलते हम। लेकिन सबसे कम से कम अवगाना असंख्यात प्रदेशी वाला रहता है ना ये, तो इसलिए अपने असंख्यात बहु उसके लगा लिए। कितने जन समझ रहे अभी बात को? एक क्षेत्र परिवर्तन हमारा पूरा हुआ है, शेष चर्चा कल। ओम नमः।